भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सबसे पहला दुष्परिणाम ये हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। भारत की आर्थिक संपत्ति इंग्लैंड जाने लगी, यहाँ के परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट होने लगे और इंग्लैंड के उद्योग पनपने लगे। कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा। कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसान, मजदूर, कारीगर और अन्य लोग दिन ब दिन अंग्रेजों के बनाए अंधे कानूनों की गिरफ्त में फंसते चले गए। दक्षिण बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों में भारी असंतोष फैल चुका था। इसका कारण ये था कि नील, चाय और कहवा बागानों का प्रबंध और संचालन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इन वस्तुओं की इंग्लैंड और यूरोप के देशों में भारी मांग थी। अंग्रेज अफसर किसानों को चावल की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते। इससे गरीब किसानों के लिए पेट भरना भी एक समस्या बन गई। मजबूरी में किसान जो नील पैदा करते थे उसे अंग्रेज उत्पादन खर्च से भी कम दामों में खरीदते थे। इस तरह किसानों का भारी आर्थिक शोषण होने लगा। गरीब किसान कंगाल हो गए, उनके लिए पेट भरना एक समस्या बन गई। जब अंग्रेजों ने कानून बनाकर नील की खेती का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने लगान देना बंद कर दिया, नील के कारखानों और गोदामों में आग लगा दी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निहत्थे किसानों पर बहुत जुल्म ढाए। ये विद्रोह सन 1859 से 1861 तक चला। हालांकि इसके बाद जर्मनी से नील आने लगी थी और किसानों को मुक्ति मिल गई थी। सन 1872 और 1873 में पूर्वी बंगाल के ढाका, बकरगंज, पबना, बोगरा और अन्य कई जिलों के किसानों ने लगान न देने का आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन भी अंग्रेजी राज की शोषण नीति के खिलाफ एक खुले विद्रोह के रूप में सामने आया। उधर सन 1879 में दक्षिण में गोदावरी एजेंसी के अंतर्गत आदिवासियों ने रंपा और गोलकुंडा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस आदिवासी विद्रोह का नायक था चंद्रैया। विद्रोहियों ने दो पुलिस थानों में आग लगा दी थी। इसके बाद चंद्रैया के नेतृत्व में वो आदिवासी चिंतूर गांव की ओर बढ़े। यहां पुलिस से उनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आखिर विद्रोही भाग निकले, अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। घायल चंद्रैया को उनके साथी उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। 12 फरवरी 1880 को चंद्रैया की हत्या कर दी गई। उसके तमाम साथी पकड़े गए। सारे इलाके में पुलिस ने आदिवासी विद्रोहियों का दमन किया। सन 1870 में पूना की सार्वजनिक सभाओं में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिति और गरीबी, राष्ट्रीय व्यापार नीति और खर्चीले ब्रिटिश शासन पर 3 व्याख्यान दिए। रानाडे ने कहा था कि अंग्रेजों को ऊंचे और अधिक वेतन वाले स्थान दिए जाते हैं, जबकि भारतीयों के साथ ऐसा नहीं होता। भारतीयों की योग्यता का ब्रिटिश शासन आदर नहीं करता। रानाडे के इन भाषणों को सुनने के लिए एक युवक जाया करता था, वासुदेव बलवंत फड़के। वो इन भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि वो आजादी के लिए लोगों में नई चेतना का संचार करेगा। वासुदेव फड़के हर शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिनों में गांव में जाने लगे। गांव वालों को इकट्ठा करके भाषण देते,
उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाते और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को आजादी का मतलब समझाते। वो पूना में भी चौक चौक घूमते और थाली बजाकर लोगों को अपने व्याख्यान की सूचना देते कि आज शाम शनिवार बाड़ा के सामने मेरा भाषण होगा। अपना देश आजाद होना ही चाहिए। उसे आजाद करने के उपायों के बारे में ही मैं विस्तार से कुछ कहूंगा। आप जरूर आएं। सन 1876 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। वासुदेव फड़के ने साधु के वेश में अकाल पीड़ित इलाकों का दौरा किया और जो कुछ देखा उससे उनका हृदय फटने लगा। उन्होंने सूखे हुए कुएं, तालाब, नदियां देखे, पानी और राशन के अभाव में दम तोड़ते इंसानों को देखा। मवेशियों का तो और भी बुरा हाल था। उधर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बनकर ईसाई मिशनरी के लोग मौके का फायदा उठा रहे थे। वो लोगों से कहते, तुम ईसाई बन जाओ, हम तुम्हें खाना देंगे। ये देखकर वासुदेव फड़के समझ गए कि इस सब के लिए जिम्मेदार है ब्रिटिश शासन, जिसे उखाड़ फेंकना ही होगा। वासुदेव फड़के के हृदय में विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। वो लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करने लगे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वासुदेव फड़के देशी रियासतों के राजाओं से भी मिले और क्रांति के लिए मदद मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब वो समझ गए कि सशस्त्र क्रांति के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो जानते थे कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है और इसीलिए शहर के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तभी उन्हें छत्रपति शिवाजी की याद आई, जिन्होंने ग्रामवासियों और आदिवासियों की सेना बनाई थी। इस तरह वासुदेव फड़के ग्रामवासियों और आदिवासियों को इकट्ठा कर उन्हें लड़ाई का प्रशिक्षण देने लगे। अब वासुदेव के कई युवक मित्र भी उनके दल में आ गए थे। दल में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दही चूड़े से भरा दोना लेकर प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। 20 फरवरी 1879 को महाशिवरात्रि के अवसर पर फड़के के 200 क्रांतिकारी साथियों की बैठक हुई और क्रांति की पूरी योजना तैयार की गई। हथियार इकट्ठा करने के लिए धन की जरूरत थी और धन के लिए धनी लोगों को निशाना बनाया गया। वासुदेव फड़के की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई। ये भी पता लगा कि इस विद्रोह का नेता है वासुदेव बलवंत फड़के नामक एक युवक। उनकी गिरफ्तारी का काम सौंपा गया मेजर डेनियल को। उन्होंने वासुदेव के मकान पर छापा मारा। वासुदेव तो हाथ नहीं आए, पर कुछ हथियार जरूर मिले, जिससे क्रांति की योजना की जानकारी मिली। मेजर डेनियल ने घोषणा की कि वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार कराने वाले को 4,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसके जवाब में फड़के ने पूना के कलेक्टर, सेशन जज और बंबई के गवर्नर को गिरफ्तार करने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। जगह जगह ये पोस्टर चिपका दिए गए। उनमें नीचे वासुदेव बलवंत फड़के के हस्ताक्षर थे और लिखा था, पेशवाओं का नया मुख्य प्रधान। इस पर ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। उसने फड़के और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान तेज कर दिया। मेजर डेनियल के लिए फड़के चुनौती बन चुके थे। मेजर डेनियल के जासूसों ने खबर दी कि फड़के और उनके साथी पहाड़ी पर छिपे हुए हैं। डेनियल तुरंत सेना लेकर वहां पहुंचा
और उसने पहाड़ी खेद ली। आदिवासियों के सेना नायक दौलत राव नायक ने मेजर डेनियल की सेना से सीधा मुकाबला किया। इस मुकाबले में यूं तो डेनियल भी घायल हुआ, लेकिन दौलत राव नायक मारे गए। वासुदेव फड़के को दौलत राव नायक के शहीद होने पर गहरा दुख पहुंचा। वो उदास हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। गंगापुर में श्री दत्त के मंदिर होते हुए 18 अप्रैल 1879 को श्री शैल मल्लिकार्जुन के मंदिर में पहुंचे। इस समय तक उनमें पुनः आत्मविश्वास जाग चुका था। अब वासुदेव फड़के ने रोहिल्लों से मदद मांगी। उनके मुखिया इस्माइल खां से मुलाकात की। इस समय वो गंगापुर में ही थे। उधर मेजर डेनियल को एक हवलदार ने सूचना दी कि इन दिनों फड़के को गंगापुर में देखा गया है। उधर फड़के को भी खबर मिल गई कि मेजर डेनियल आ रहा है। वासुदेव फड़के तुरंत वहां से निकल पड़े। रास्ते में भीमा नदी आई। उनका एक साथी मोरेश्वर साठे उनके साथ था। फड़के को तेज बुखार था। नदी में बाढ़ आई हुई थी, फिर भी वो नदी में कूदने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक मल्लाह मेरा साहब उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया। नदी पार करने के बाद तेज बुखार की हालत में ही वासुदेव 3 दिन तक लगातार भागते रहे और पुलिस से बचते रहे। आखिर वो बीजापुर जिले के देवनारगुड़ी गांव के एक बौद्ध मंदिर में ठहर गए। मंदिर में रात के वक्त फड़के सो रहे थे। तभी मेजर डेनियल उनका पता लगाता हुआ वहां पहुंच गया और उसने फड़के को पहचान लिया। ये 20 जुलाई 1879 की रात थी। उनकी तलवार पर पैर रखकर पिस्तौल तान दी और बोला, आखिर आई गया तुम मेरे कब्जे में। वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे नींद में ही पकड़ पाए। पूना की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का खास इंतजाम था। फिर भी हर व्यक्ति इस महान देशभक्त और क्रांतिकारी के एक बार दर्शन करने के लिए बेचैन था। अदालत में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वासुदेव फड़के ने उपस्थित लोगों को संबोधित करके कहा, भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना ही मेरी बगावत का मुख्य उद्देश्य था। मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन परमपिता परमेश्वर जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया जनहित में ही किया। भारतवासियों, मेरे भाइयों, मुझसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। मैं लक्ष्य पूर्ति में सफल नहीं हो पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें आजन्म कारावास की सजा दी। फैसला सुनकर फड़के ने कहा, दोस्तों, इतनी कड़ी सजा हम लोगों को मिली तो है, लेकिन भारत के इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा। जनवरी 1880 में वासुदेव फड़के को अदन ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। यहां उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। आखिर 12 अक्टूबर 1880 को वो जेल से भाग निकले, लेकिन उन्हें अदन के रास्ते मालूम नहीं थे, इसलिए वो रास्ता भटक कर 18 किलोमीटर भागते ही रहे। अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। फड़के दोबारा ना भाग पाए इसके लिए उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उनको और ज्यादा सताया जाने लगा।
आखिर वो क्षय रोग से बीमार हो गए और 17 फरवरी 1883 को जेल में ही उनका निधन हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि वासुदेव बलवंत फड़के का बलिदान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेना एक असाधारण बात थी। इस समय तक देश की परिस्थिति में काफी बदलाव आया था। एक ओर ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कि अब 1857 जैसा कोई विद्रोह फिर से हो, क्योंकि इस बार सेना नहीं बल्कि जनता द्वारा विद्रोह किए जाने का डर था। इसलिए कुछ अंग्रेज भारतीयों के हित की योजनाएं बना रहे थे। इनमें से एक मुख्य नाम था सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सर ह्यूम नहीं चाहते थे कि अब लोगों का असंतोष विद्रोह में बदल जाए। दूसरी ओर कई धार्मिक और समाज सुधार संबंधी संस्थाएं जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज आदि अपने अपने ढंग से कार्य कर रही थी। इसके साथ ही पढ़े लिखे लोग ये मांग कर रहे थे कि नौकरियों में भारतीयों को लिया जाए और उन्हें जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया जाए। सर ए ओ ह्यूम अंग्रेज होकर भी स्वतंत्र विचार रखते थे और उन्हें निडर होकर प्रकट करते थे। वो सरकारी नौकरी से मुक्त होकर भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को भरना चाहते थे। उन्होंने एक पत्र में लिखा था, हमारे साम्राज्य का भाग्य डामाडोल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई टुकड़ा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है बढ़कर सारे देश पर छा सकता है और अराजकता तथा विनाश की वर्षा कर सकता है। ह्यूम साहब ने देश की सारी स्थिति का अध्ययन करने के बाद ब्रिटिश शासन को 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। एक तो ये कि सारी जनता के विभिन्न वर्गों को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया जाए। दूसरी ये कि सभी क्षेत्रों में यानी आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में राष्ट्र को फिर से उन्नत बनाया जाए। और तीसरे ये कि भारत और इंग्लैंड के बीच संबंधों को अच्छा बनाया जाए। सर ह्यूम के विचारों का स्वागत सभी ने किया और ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों के हितों की बातों पर विचार करे। सन 1884 में ह्यूम साहब ने अपने तीनों विचारों को लेकर भारतीय नेताओं से बातचीत की और इंडियन नेशनल यूनियन की योजना सामने रखी। इसका उद्देश्य था वैधानिक उपायों द्वारा अपने हक की मांग।